सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गाइस आप कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग लोवी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस आपको यहां पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है काइन मास्टर। गाइस, अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो आपको करना ही क्या है गाइस, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद गाइस आपको वहाँ पे इस वाले काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आके ये वाला काइन मास्टर ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको करना ही क्या है, यहाँ पे आपको अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं गाइस अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर ले रहा। तो जैसा गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। काइन मास्टर ऐप को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे 4.5 का रेशियो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सीधे अपने मीडिया पे आ जाओगे गाइस। मीडिया पे आने के बाद करना क्या है गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे इमेज एडजस्ट पे जाना है और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद अपने बैकग्राउंड की लेंथ को कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है। आप जितना बड़ा स्टेटस वीडियो बनाना चाहें उतनी बड़ी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड की लेंथ को कर लेना है। बैकग्राउंड की लेंथ बढ़ाने के बाद गाइस स्टार्टिंग पे आना है। देन आपको लेयर पे क्लिक करना है और आपको मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक पिक को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी पिक आप यहाँ पे ऐड करना चाहें अपनी पिक को एक यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस आपको करना ही है, सबसे पहले अपनी पिक की लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक लेके जाना है और लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस स्टार्टिंग पे आ जाना है। देन आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक कर देना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ये वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे सिंपली नीचे क्रोमा की के ऑप्शन पे आ जाना है और क्रोमा की के ऑप्शन पे आने के बाद गाइस आपको इसका की कलर आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस आपको करने क्या है, इसके की कलर पे जाना है और आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे अपना टिक कर लेना। टिक करने के बाद इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो के ऊपर क्लिक करके गाइस आपको यहाँ पे इसके ऑडियो के ऑप्शन पे जाना है। इसका ऑडियो आपको म्यूट कर लेना है और यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद गाइस आपको सिंपली करने क्या है, इस स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और इस फुल स्क्रीन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस करने क्या है, इस वीडियो को आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के पहले गाइस आपको इस पिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसके एडजस्टमेंट पे चले जाना और इसका हल्का ब्राइटनेस कम कर देना है जिससे यहाँ पे आपका देखने में काफ़ी मस्त दिखाई देगा। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हल्का बढ़ा लेना है, सिचुएशन भी हल्की इंक्रीज कर देनी है। इंक्रीज करने के बाद गाइस अपनी पिक को इस फ्रेम के अंदर अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेना जिससे कि यहाँ पे देखने में सही लगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपने हिसाब से इस पिक को ऐड कर दिया है, आप अपनी पिक को अपने हिसाब से ऐड कर देना। ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे टिक करना है। देन आपको इस आपको यहाँ पे लास्ट के ऑप्शन पे आ जाना और ग्रीन स्क्रीन के वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे कैंची का ऑप्शन भी क्लिक करना है। ट्रिम टू राइट ऑपरेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद गाइस इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपना क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना है, जिस क्वालिटी पे आपको वीडियो को सेव करना हो उस क्वालिटी को सिलेक्ट करने के बाद सेव अस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव अस वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हो ये वीडियो सेव होने लगेगा। तो जैसे गाइस यहाँ पे लाइन पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे आपका वीडियो यानी कि गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, जैसे ये वीडियो सेव होता है तो यहाँ पे मैं गाइस आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो जैसा गाइस देख सकते हो वीडियो बन के सेव हो गया है। सेव होने के बाद गाइस यहाँ से आपको बैक हो जाना है और बैक होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। फिर से आपको 4.5 का रेशियो सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको अब करना ही है, सिंपली आपको यहाँ पे उसी पिक को सिलेक्ट कर लेना है जिस पिक को आपने अभी सेव
सिलेक्ट किया था। तो आपको करने के पिक पे चले जाना है और उसी पिक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी लेंथ को खींच के आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है जितनी बड़ी आपने पहले लेंथ की थी। करने के बाद इस पिक के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे अपना वेगनेट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो कर देना, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। आपको एडजस्टमेंट पे आना है, इसका ब्राइटनेस हल्का कम कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है इस तरीके से हल्का इंक्रीज कर देना है जिससे कि यहाँ पे आपका काफ़ी मस्त इफेक्ट यहाँ पे ऐड दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से कर लेना। करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, लेयर पे क्लिक कर देना है, देन गाइस आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करके मोशन ब्लर इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको खींच के इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है। सेटिंग पे जाना, इसकी सेटिंग आपको 1 कर देनी है। करने के बाद टिक करना है और इसकी लेंथ को खींच के लास्ट तक आपको लेके चले जाना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद स्टार्टिंग पे आना है, लेयर पे क्लिक करना, देन मीडिया पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपने अभी सेव किया था। सिलेक्ट करने के बाद गाइस करने के आपको नीचे स्प्लिट स्क्रीन को ऑप्शन पे आ जाना है और इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना और यहाँ पे टिक कर देना है और इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको सिंपली इसके क्रोमा की पे आप आ जाना है और इसका क्रोमा की आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट ऐड हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाएगा। इस तरीके से होने के बाद स्टार्टिंग पे आना है गाइस, आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, देन मीडिया पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ये वाला PNG का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेना और इसको इस तरीके से यहाँ पे नीचे को ऐड करना चाहे नीचे को ऐड कर सकते हैं, ऊपर की ओर ऐड करना चाहे ऊपर की ओर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैसे इसको नीचे को ऐड कर दे रहा हूँ, तो अपने इस तरीके से नीचे को ऐड कर लेना और यहाँ पे इसकी लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक लेके चले जाना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस स्टार्टिंग पे आना है, देन लेयर पे क्लिक कर देना है, देन मीडिया पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे गाइस एक लिरिक्स वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसको हल्का जूम करना है और इस तरीके से नीचे को लेके आना है और नीचे आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आ जाना है और इसको आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस यहाँ से बैक होना है और इसके एडजस्टमेंट पे जाना, कॉन्ट्रैक्ट्स और सिचुएशन इंक्रीज करना है और इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना, कैंची के ऑप्शन में क्लिक करके ट्रिम टू ऐड ऑपरेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है। कट करने के बाद गाइस देख सकते हो ये काफ़ी मस्त दिखाई दे रहा है, तो आपको इसको बिल्कुल बीच में और नीचे को ऐड इस तरीके से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पे आना है गाइस, देन लेयर पे क्लिक कर देना है और आपको मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ये वाला टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद गाइस इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसके ऑडियो के ऑप्शन पे जाना है, इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है और यहाँ पे नीचे स्प्लिट स्क्रीन पे आना है। स्प्लिट स्क्रीन पे आके इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है। फुल स्क्रीन पे करने के बाद गाइस इसके लास्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, कैंची के ऑप्शन में क्लिक करना, ट्रिम टू राइट ऑपरेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग कट कर देना है। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद गाइस अपने इस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे नीचे को आना है और यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है। देन आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इसके एडजस्टमेंट पे आना, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हल्का इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद टिक करना है, स्टार्टिंग पे आना, देन लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको मीडिया पे क्लिक कर देना और मीडिया पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे की वाला फ्रेम को ऐड करना है। तो गाइस इस फ्रेम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से आगे इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से इसको आपको प्रेस करके इसको जूम करना है और जूम करने के बाद गाइस अपनी उंगली से इस तरीके से अपना इसको अपने हिसाब से इसको सही से ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस इसको फुल स्क्रीन पे ऐड करने के लिए अपने हिसाब से इसको जूम करना है जिससे कि सही तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ऐड हो जाए। तो इस तरीके से अपने इसको जूम करके आपको यहाँ पे इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे हल्का सा और जूम कर लेना, हल्का सा करने के बाद गाइस अपने हिसाब से इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना है और इसको हल्का सा जूम कर लेना। इस तरीके से जूम करके गाइस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इस तरीके से ऐड करने के बाद यहाँ पे गाइस करना ही है, इस तरीके से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद गाइस देख सकते हो इसको लेंथ को खींच के लास्ट तक ले जाना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद गाइस देख सकते हो ये वीडियो बनके कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो गाइस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करना ही है, इसे एरो के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना और 1080 सिलेक्ट करके ब्राइटनेस हाई करके सेव अस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपना जो भी क्वालिटी रखना हो 1440 पे भी कर सकते हैं। तो सेव इस वीडियो पे जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपका वीडियो सेव होने लगेगा।
तो जैसे गाइस ये लेंथ पूरी हो जाएगी तो आपका वीडियो बनके गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है।